अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब बाजार। दोस्तों नई वीडियो के साथ हाजिर है। इस वीडियो में आपको बताएंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद में जॉब्स अनाउंस हुई हैं, जिसमें पूरे पाकिस्तान से मेल्स और फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपने वीडियो एंड तक देखनी है। और इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, और मुकम्मल प्रोसीजर आपसे डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल जॉब बाजार को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको डेली बेसिस पे जॉब्स की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो इसका ऐड ये आप दे सकते हैं, और ये ऐड आप डेली न्यूज़पेपर जो 9 अप्रैल के डेली न्यूज़पेपर हैं उसमें देख सकते हैं, और इसकी वेबसाइट भी आपको बताएंगे, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। काफ़ी लार्ज ऐड है और यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें हर स्टेज वालों के लिए प्राइमरी पास से लेकर इसमें मास्टर वालों के लिए भी जॉब्स हैं, तो ये आप देख सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है इस्लामाबाद, और इसमें ये जॉब्स हैं। सबसे पहले साइंटिफिक ऑफिसर की है, एमबीबीएस वाले अप्लाई कर सकते हैं इसमें, और इसके अलावा सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर है इसमें भी एमबीबीएस वाले, और इसमें केमिकल रिसर्च है इसमें आप दे सकते हैं। फार्मेसी वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजर एनिमल फार्म है, बीएससी या डीवीएम वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर माइक्रोबायोलॉजी है, आप दे सकते हैं इसमें, एमबीबीएस वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके नीचे आप दे सकते हैं साइंटिफिक ऑफिसर है, एमएससी केमिस्ट्री वाले या बायोकेमिस्ट्री वाले, न्यूट्रिशन वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप दे सकते हैं नीचे असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर है, सेकेंड क्लास मास्टर डिग्री हो माइक्रोबायोलॉजी में आप दे सकते हैं, या बीएससी हो बायोलॉजिकल साइंस में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप दे सकते हैं इसमें स्टेनोटाइपिस्ट है, इंटरमीडिएट वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 40 वर्ड पर मिनट इसमें आप दे सकते हैं, टाइपिंग स्पीड हो। इसके अलावा असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट है, इसमें ग्रेजुएशन डिग्री हो, बीए हो इकोनॉमिक्स और स्टैट के साथ, तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंट है, ये आप दे सकते हैं, मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा लैब टेक्नीशियन है, इसमें मैट्रिक विद साइंस वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एलडीसी है, लोअर डिवीजन क्लर्क, इसमें आप दे सकते हैं, मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं, और 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड हो। और इसके अलावा लेबॉरेटरी अटेंडेंट है, ये आप दे सकते हैं, 20 पोस्ट है, मिडिल पास वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और नैब कासिद है इसमें, इसमें भी आप दे सकते हैं कि लिखना और पढ़ना आता हो, ये आप दे सकते हैं। और इसके अलावा एनिमल अटेंडेंट है, इसमें भी मैनुअल वर्क के लिए फिट बंदा जो है वो इसमें अप्लाई कर सकता है, और लेबर जो है इसमें भी फिट जो है, फिजिकली फिट है, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। इसकी जो लास्ट डेट है ये आप देख सकते हैं, 25 अप्रैल है। और इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है, आपने जो ग्रेड 6 से 18 तक की है पोस्ट, उसका एप्लीकेशन फॉर्म आपने ओटीएस की वेबसाइट से आपने डाउनलोड करना है और आपने सेंड कर देना है उसका एप्लीकेशन फॉर्म। इसकी जो फ़ीस है वो पे करके आपने ओटीएस को सेंड कर देना है। इसके अलावा जो ग्रेड 1 से लेकर 5 तक की जो पोस्ट है, इनकी कोई फ़ीस नहीं है, आपने सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म आपने ओटीएस की वेबसाइट से डाउनलोड करना है, उसको फिल कर देना है और सेंड कर देना है, इसकी कोई फ़ीस नहीं है। लेकिन जो ग्रेड 6 से लेकर 18 ग्रेड तक की जो पोस्ट है उनकी फ़ीस है, और आपने ओटीएस की वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके आपने सेंड कर देना है। ये कम्प्लीट प्रोसेस आपके सामने है, तो आपने इसका एप्लीकेशन फॉर्म ओटीएस की जो है ओपन टेस्टिंग सर्विस की जो वेबसाइट है आपने वहां से डाउनलोड करना है। ये ऐड आप वहां पे भी देख सकते हैं, और 9 अप्रैल के डेली न्यूज़पेपर में भी ये ऐड आप देख सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।